सरायकेला के कांडा पंचायत में बिना ग्राम सभा किए सभी योजना को किया जा रहा पारित। कांडरा वासियों ने किया विरोध, विशेष वेंडर को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, उठाई जांच की मांग। सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड के कांडरा हाट बाजार में बिना ग्राम सभा किए ही पेवर्स ब्लॉक सड़क एवं जल मीनार का निर्माण किया जा रहा था, जिसे देख कांडरा वासी भड़क गए और इसका जोरदार विरोध किया। वहीं जब इस योजना के विषय में ग्राम सचिव से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कार्य चालू होने के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही बताया कि 30 सितंबर को ही कांडरा पंचायत द्वारा एक योजना पारित की गई है, जिसमें हाट बाजार में पेवर्स ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जाएगा एवं अभी तक इसका पेवर्स नहीं हुआ है। लेकिन बात यहां ये उठता है कि आखिर बिना प्रशासनिक स्वीकृति मिले ही किसके इशारे पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जब इस बारे में वहां कार्यरत मजदूरों से पूछा गया तो उन्होंने ग्राम पंचायत स्वयं सेवक देवाशीष महतो का नाम लिया। वहीं पूरे कांडरा में लोग बात कर रहे हैं कि मुखिया तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, पूरा खेला बेला तो पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत स्वयं सेवक द्वारा खेला जाता है। यहाँ बात यह भी उठ रही है कि किसी भी पंचायत में सचिव का कार्यकाल नियमानुसार 3 साल का ही होता है, लेकिन पिछले 5 सालों से ये यहाँ डटे हुए हैं। उस पर भी इन्हें कांडरा के अलावा डुमरा पंचायत का भी प्रभार दिया हुआ है, आखिर क्यों। वहीं समाज सेवी प्रकाश कुमार का कहना है कि यह 15वें वित्त आयोग मुखिया निधि फंड से कार्य हो रहा है, जिसमें बिना ग्राम सभा किए योजना को पारित कर दिया जाता है और किसी स्थानीय के लाभुक समिति का अध्यक्ष एवं सचिव बना दिया जाता है, जिसकी उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती है। वे सिर्फ रबर स्टैंप का काम करते हैं। हर योजना को बाहरी वेंडर आदित्यपुर के गैदरी इंटरप्राइजेस को देते हुए कार्य करवाया जाता है और पूरा पैसा लाभुक समिति को भरोसे में रखकर निकलवा लिया जाता था। वहीं बिना ग्राम प्रधान की उपस्थिति में योजना का चयन होता है एवं लाभुक समिति का चयन कर लिया जाता है। यहां तक कि योजना की प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिलती है एवं कार्य पूरा कर पूर्व के डेट में रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है। अब देखना यह है कि इन सभी बिंदुओं पर उच्च प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ज्ञात हो कि कांडरा हाट बाजार में बरसों पूर्व बने 3 शेड भी टूट गए हैं एवं छत भी लटका हुआ है। इसके बावजूद भी सब्जी विक्रेता अपनी जान जोखिम में डालकर इसके नीचे बैठने को मजबूर हैं। वहीं पंचायत फंड से जिन जरूरी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करवाना था, उन सभी को दरकिनार करते हुए अपने मन से योजनाओं का चयन कर कार्य किया जाता है। ये किस योजना के तहत काम चल रहा है, कुछ जानकारी है क्या इसका? ये योजना 15वें वित्त आयोग जो मुखिया के निधि से होता है, इसमें हम लोगों ने देखा है कई वर्षों से काम होता है, परंतु बिना ग्राम सभा के, प्रॉपर जो ग्राम सभा होना चाहिए उसको दरकिनार करके अपने मन से लोग लाभुक समिति बना देते हैं, उस हिसाब से फिर लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लाभुक समिति बनते हैं, कोई स्थानीय लोग बनते हैं, उसी वार्ड के लोगों को बना दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प रहते हैं। इसका सारा पेमेंट वो लोग उठा करके गायत्री इंटरप्राइजेस आदिपुर की एक ठेकेदार हैं, उसके माध्यम से सारा काम होता है, चाहे वो जल मीनार हो, चाहे वो रोड का योजना हो, कोई भी योजना होता है सारा योजना वो लोग करते हैं। रवि स्ट्राम का काम करते हैं यहाँ का लाभुक समिति, और जिसकी जानकारी किसी और को होती ही नहीं। इसकी जानकारी तो ग्राम प्रधान द्वारा दी जाएगी, लेकिन ये लोग एक नियम बना दिए हैं अपने स्तर से कि बिना ग्राम प्रधान के उपस्थिति का ये लोग योजना का चयन करते हैं, लाभुक समिति बनाते हैं और काम को चालू करते हैं। अभी हमको लगता है कि पेन एंड पेपर में जो काम होगा, प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिली होगी इस योजना की, लेकिन काम पहले हो जाता है, प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व के डेट में दी जाती है रजिस्टर में। तो क्या इसमें पंचायत समिति सचिव का मिली भगत से सारा काम होता है? देखिए, जब तक सब नहीं मिलेंगे, पदाधिकारी मुखिया वगैरह सब, तब तक कैसे काम होगा? किसी न किसी आदेश पे तो काम होगा, बिना आदेश का कैसे काम कोई कर लेगा? वेंडर कोई अगर काम करना चाहता है तो कैसे करेगा? सारी योजना वेंडर के द्वारा किया जा रहा है? सारा, लगभग सभी योजना वेंडर के द्वारा किया जाता है। बिल वाउचर देख लीजिएगा तो सब एक ही कंपनी का मिलेगा। लाभुक रबर स्टाम्प रहता था सब कुछ। क्या कुमार, अभी यहाँ का जो आपका पंचायत का जो समिति का है उसको फोन किया गया कि यहाँ पर काम कैसे चालू हुआ। उसको फोन किया, बोलता हमको इसका जानकारी ही नहीं है। वो बोल रहा कि ना पेपर वर्क हुआ ना कुछ हुआ, तो फिर काम फिर कैसे चालू होगी? इसलिए हम लोग काम को बंद करवाए हैं अभी। ये क्या योजना है, कुछ जानकारी है क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। बोल रहा कि पंचायत से पास हुआ है इसका, बिना लाभुक समिति के तो काम नहीं होता, तो काम कौन करा रहा है? पंचायत समिति मंडल को फोन किए थे तो बोला कि इसका
बोलता हमको जानकारी नहीं है, बोलता कैसे काम चालू हो गया यहाँ पर, बोलता इसका पेपर वर्क कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, जल मीनार जबकि यहाँ पर बनने का है भी नहीं, यहाँ भी जल मीनार लग रहा है। बिना लाभुक समिति के काम होता है क्या जी? ये कितने की योजना है कुछ जानकारी है? नहीं कोई जानकारी नहीं है, न ग्राम सभा हुआ ना कुछ हुआ, कोई जानकारी नहीं है। तो ये काम कौन करा रहा है? काम तो यहाँ पे देवाशीष महतो आके करवा रहा था काम। ये कौन है देवाशीष महतो? ये तो पंचायत सेवक है, स्वयं सेवक है। ये किसके आदेश पे कर रहा है ये? क्या मुखिया को उसकी जानकारी है क्या? मुखिया को फोन किया गया, बोलता हमको जानकारी नहीं है। बिना मुखिया की जानकारी ये काम हो रहा है जी? पंचायत में किसी को भी फोन कर रहे हैं, बोलता कि हमको जानकारी ही नहीं है इस काम का। क्या नाम हो गया? बप्पा पात्रो। काम कौन करा रहा था अभी? ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।